दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी गवर्नमेंट जॉब में। दोस्तों बहुत ही बड़ी आपके लिए खुशखबरी आ चुकी है दोस्तों, जो दिल्ली पुलिस एमटीएस की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कितनी पोस्ट आने वाली है। दोस्तों मैं आपको ऑफिशियल यहाँ पर दोस्तों प्रूफ बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। और अगर दोस्तों आप लोग यहाँ पर दिल्ली पुलिस एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हर एक जानकारी यहाँ पर प्रूफ के तौर पर यहाँ पर दी जाएगी और आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आगामी जो दिल्ली पुलिस एमटीएस की भर्ती आने वाली है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक एसएससी कैलेंडर यहाँ पर बताने वाला हूँ। उसमें दोस्तों बताया गया है कि दिल्ली पुलिस एमटीएस की इस बार कितनी वैकेंसी आने वाली हैं और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की इस बार कितनी वैकेंसी आने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, उस कैलेंडर में बताया गया है कि टोटल यहाँ पर एसएससी द्वारा 73,333 पोस्ट यहाँ पर टोटल बताई जा रही हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ वो कैलेंडर। देखिए दोस्तों, ये आपका यहाँ पर दिल्ली पुलिस दोस्तों एमटीएस में कितनी वैकेंसी आने वाली है, तो एसएससी द्वारा ये मिशन मोड रिक्रूटमेंट यहाँ पर जारी किया गया है दोस्तों ऑफिशियल। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 30 सितंबर का यहाँ पर दोस्तों ये ऑफिशियल नोटिस है, ऑफिस मेमोरेंडम है। इसमें बताया गया है सब्जेक्ट में फिलिंग अप ऑफ वैकेंसी इन मिशन रिक्रूटमेंट मोड REG। ठीक है दोस्तों, हर एक विभाग में आपको देखा होगा कुछ दिन पहले रेलवे में दोस्तों एक मिशन मोड का यहाँ पर वो आया था रिक्रूटमेंट, कि फटाफट यहाँ पर रेलवे को भी दोस्तों वैकेंसियाँ भरनी है। इसलिए रेलवे ने दोस्तों एक शेड्यूल जारी कर दिया था किसके लिए, रेलवे ग्रुप डी का मेडिकल कब होगा, PET कब होगा यहाँ पर, और फाइनल ज्वाइनिंग कब दी जाएगी। ठीक है तो दोस्तों उसमें भी आपको देखने को मिलेगी वैकेंसी ARP की और दोस्तों यहाँ पर JEE की और बाकी वैकेंसी दोस्तों रेलवे में लगभग लगभग 60-70 हज़ार वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर ये मिशन मोड का ये SSC द्वारा दोस्तों ये ऑफिस मेमोरेंडम आया है। इसमें SSC द्वारा कितनी कितनी वैकेंसी किस किस विभाग को देनी है, इस टोटल बताया गया है। देखिए मैं आपको इसको स्क्रॉल करता हूँ, ये आया है, इसे बताया गया है। देखिए ये आपको बताया गया है, इसमें डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी रिपोर्ट 5/9/2022 की रिपोर्ट के तहत ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, इतनी इतनी वैकेंसी आएंगी। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि SSC CGL होता है, SSC PO होता है, SSC ये दोस्तों यहाँ पर CGL आपका MTS होता है दोस्तों, इसी में अलग अलग विभाग में अलग अलग वैकेंसी आती हैं। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर जो वैकेंसी का विभाग है, मान लीजिए भारत सरकार का ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इसमें टोटल 4 वैकेंसी आएंगी। मान लीजिए कोई दोस्तों यहाँ पर जो इसमें मान लीजिए विभाग है दिल्ली यहाँ पर दोस्तों, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है, इसमें टोटल 60 वैकेंसी आएंगी। ऐसे ही दिल्ली पुलिस एमटीएस की हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर देखिए दिल्ली पुलिस का यहाँ पर नाम लिखा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर दिल्ली पुलिस लिखा है और ये 6433 वैकेंसी आपको कॉन्स्टेबल की देखने को मिलेंगी। ठीक है, और ये DPMTS की दोस्तों हमें इसकी मतलब है ये 777 वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, और ये SICPO होता है जो भी दिल्ली पुलिस के अंतर्गत आता है, ये भी 340 वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो टोटल दिल्ली पुलिस में दोस्तों 7750 वैकेंसी कराने के मिशन मोड में SSC है। और दोस्तों आपकी ये संख्या है थोड़ी और होनी चाहिए ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है 777 पोस्टें हैं और ये पिछली बार 707 पोस्टें आई थी। इसमें दोस्तों आपको बता दूं मैं कि 707 पोस्टों में 7 लाख लोगों ने आवेदन किया था, ठीक है, ऑल इंडिया से, और इसमें 7 लाख लोगों में से दोस्तों फाइनल ज्वाइनिंग 254 को ही मिली थी। ठीक है, ये मैं ऑफिशियल आपको आंकड़ा बता रहा हूँ पिछली बार का 2017 का। ठीक है, अब दोस्तों 2017 से अभी 5 साल हो गए हैं, 2022 हो गया है, और दोस्तों मैं सोच रहा था कि ये वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा आएंगी, क्योंकि दोस्तों 5 साल हो गए हैं, लगभग लगभग मैं 1500+ या 2000 के लगभग सोच रहा था कि वैकेंसी आएंगी। ठीक है, हालांकि दोस्तों ये 5/9/2022 का यहाँ पर डाटा है, आप इसको दोस्तों ये मत मानिए कि फाइनल इतनी ही वैकेंसी आएंगी, लेकिन दोस्तों ये वैकेंसी बढ़ भी सकती हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आपको एक वैकेंसी चाहिए है फुल, आपको एक जॉब चाहिए, ठीक है, तो आप जम के मेहनत कीजिए जब ये आपकी यहाँ पर जॉब लग पाएगी। ठीक है, कोई भी आपका डाउट हो MTS से संबंधित, कोई भी आपको ट्रेड से संबंधित डाउट हो, या कोई भी आपको दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल से मतलब डाउट हो, मैं आपकी एक यहाँ पर हर एक हेल्प करने को तैयार हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर जरूर करें, और आप लोग कमेंट कीजिए जो भी कोई प्रॉब्लम हो, आप लोग लगातार तैयारी करते रहें, और अब मैं आपको बताऊंगा एक वीडियो बना के आप तैयारी कैसे करें, कौन कौन सी बुक से करें। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।